अस्सलाम वालेकुम। सॉरी कि मैं 2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि थोड़ा नेट इशू था इस वजह से। तो उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था अपना, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस वावल्स पढ़े थे। और फर्स्ट प्लेस वावल्स जो हैं बुक में 4 किस्म के दिए गए थे, लॉन्ग अ, शॉर्ट ए, लॉन्ग अ, शॉर्ट ओ। ठीक है, तो इन सब के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद हो अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो। इन सब के प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक आ का साउंड और एक ए का साउंड। ठीक है, आ के लिए मैंने कहा था कि डैश से रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो हैवी हो या लाइट हो, और ए के लिए डॉट लगाना है, चाहे वो हैवी हो या लाइट हो। क्योंकि आप देख लें कि एक मिनट, आ, आ, ओ, इन सब की साउंड्स जो हैं एक्सेप्ट शॉर्ट ए, इन सब के साउंड जो हैं वो सेम हैं। मतलब आपको अगर एक वर्ड दिया जाता है कि आप लिखें बॉट, ठीक है, बी ओ यू जी एच टी, बॉट, तो चाहे आपको बॉट बोले चाहे आपको बोट बोला जाए, ठीक है, मीनिंग एक ही होगा लेकिन वॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी आ और ए में। ठीक है, तो हमने इसके लिए फर्स्ट प्लेस वावल यूज़ करने होंगे। और मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी बताई थी कि शॉर्ट ए में और लॉन्ग ए में डिफरेंस कैसे करना है। तो मैंने 2 एक एग्जांपल बताई थी कि एक वर्ड है ए टी ई एट और एक है ए टी एट। भाई इनको बोलने में ही साफ डिफरेंस पता चल रहा है, एट और एट, डिफरेंस साफ क्लियर है, एट एट। अभी जो एट वाली साउंड है ये फर्स्ट प्लेस वावल की है, एट वाली जो है वो फर्स्ट प्लेस नहीं है, वो सेकंड प्लेस है। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने आपको इतना ही समझाया था, फिर मैंने आपको होमवर्क में एग्जांपल्स दे दी थी और फिर थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स बता दी थी फॉर की, ए और एन, ऑफ, ऑन, हेड, और फ्रेजेस में बता दिया था कि ऑन दी और बट दी को कैसे लिखने। ठीक है, फिर इसके लिए हमें आगे 2 एक्सरसाइजेस दी गई, एक्सरसाइज नंबर 7 एंड एक्सरसाइज नंबर 8। तो आप लोगों ने अब इन एक्सरसाइजेस को समझना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो मैं आपको करवा दूंगी, एक्सरसाइज नंबर 8 आप लोगों ने खुद करनी है और फिर मुझे होमवर्क चेक करवाना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो वहाँ उस पे ना मुझे आप लोगों ने होमवर्क अपना जमा करवाना है। और मैंने आपको क्या कहा था कि आप लोगों ने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट प्लेस वावल्स की, तो आपने बुक से देखकर नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कि बुक में 4 किस्में बताई हुई हैं फर्स्ट प्लेस वावल्स की और मैंने आपको 2 में डिवाइड कर दिए हैं। तो जब आप यहाँ से देखेंगे, जब आप खुद करेंगे, तो जब आप लोग मैच करने बैठेंगे तो आप लोग तो सोचेंगे कि हमने गलत लिखा है, तो नहीं, वो गलत नहीं होगा, वो सही होगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है, मैं आप लोगों को खुद बता दूंगी कि सही है या नहीं। ठीक है, चलें एक्सरसाइज नंबर 7 जो है इसमें फर्स्ट पे हमारे पास गिवन है, लिखा हुआ है हु विल। ठीक है, हु विल कम टू फेच दी कैश। अब देखिए वर्ड है कैश, हु विल कम टू फेच दी कैश, क्वेश्चन मार्क। अब कैश में कौन सी साउंड आ रही है, ए, ए की साउंड आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो स्ट्रोक है वो अबव द लाइन लिखना है, जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा हमारा,
कैश के लिए फर्स्ट स्ट्रोक हमारा के वाला है, तो हम लोगों ने लाइन के ऊपर नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे लाइन के ऊपर लिखा था तो ये कम बन गया, हम लोगों ने अबव द लाइन लिखा है, ठीक है। और साथ में इश का स्ट्रोक, ओके। और ए के लिए हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस पे डॉट लगा दिया, कैश, क्वेश्चन मार्क। वी शैल बी एट दी बैंक एट टू, अब यहाँ पे TWO 2 वाला, ठीक है, टू है फुल स्टॉप। अब बैंक में भी देखें, बैंक ए ए के साउंड जैसी आ रही है ना, बैंक, तो ये भी फर्स्ट प्लेस वॉवल है, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो अबव द लाइन लिखा है। सेकंड पे है वी एन का स्ट्रोक नो दी, वी नो दी डेट वॉज पेड, फुल स्टॉप। अ चेक वॉज गिवन टू हिम लॉन्ग एगो, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग में भी आ का साउंड आ रहा है, आ लॉन्ग, तो इसके लिए भी हम, ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो अबव दी लाइन लिखेंगे, ठीक है, लॉन्ग एगो। फिर थर्ड पे है वी सा देम, ठीक है, सा में भी आ का साउंड आ रहा है तो ये भी फर्स्ट प्लेस है, तो हम लोगों ने अबव दी लाइन लिखा, ठीक है। वी सा देम एट दी शॉप, फुल स्टॉप। दे बॉट आ, अब अबव द लाइन डॉट होगा तो हमने क्या पढ़ा था, ए या एन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। दे बॉट अ बॉल फॉर जैक, अब जैक यहाँ पे एक नाम है जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो इसलिए इसके नीचे आप देख लें ये टू डैशेस लगी हुई है, ठीक है। अब फोर्थ पे है दे गॉट अ डॉल फॉर एन, ये भी अब हमारे पास एक नाम है फॉर एन, मतलब एन के लिए उन्होंने एक डॉल खरीदी, तो ये भी नाम है तो इसके नीचे टू डैश, ठीक है, कॉमा टू, यहाँ पर डार्क सी लाइन है ना, ठीक है, TWO 2 वाला है, टू फुल स्टॉप। नंबर फिफ्थ पे है मे वी हैव, एम का स्ट्रोक ए का साइन, मे वी हैव आ चेक फॉर दी बैग बॉट ऑन दी 10th of May, ठीक है। ये देखें अबव द लाइन ये वाला जो है ये साइन किसको जारी करेगा, ऑन दी, ठीक है। फिर अबव द लाइन ये वाला साइन किसको जारी करेगा, ऑफ, ऑन दी 10th of May, ओके। अब मई जो है ये मंथ है, मंथ को भी हम लोग जब लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, तो इसलिए नीचे टू डैशेस दे दिए हैं कि मई का एम कैपिटल लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नंबर सिक्स वी नो दे हैड, वी नो दे हैड अ लॉन्ग टॉक कॉमा, बट वी थिंक, बट वी थिंक दे विल गिव हिम नो कैश, ओके, फुल स्टॉप। नंबर सेवन पे है दे से, ठीक है, देखें से और सा,
डिफरेंस था ना से में और सा में। सा में आ का साउंड आ रहा था तो ये फर्स्ट प्लेस वावल था अबाव द लाइन। से जो है इसकी साउंड चेंज है तो ये सेकंड प्लेस वावल है। ठीक है, दे से बॉब, बी ओ बी बॉब, तो इसकी साउंड भी अब चेंज, वो सॉरी नेम है तो नीचे टू डैशेस दे दिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। ठीक है, दे से बॉब ओज द डेट कमा बट द वॉच वॉज पेड फॉर ऑन द 10th फुल स्टॉप। ठीक है, अब है नंबर 8 पे। नंबर 8 पे वो कह रहा है वी थिंक दी चॉक मे डैमेज दी बैग। डैमेज के साथ ही दी लिख दिया। ठीक, वी थिंक दी चॉक फर्स्ट प्लेस पर चॉक मे डैमेज दी बैग फुल स्टॉप। नो एन ओ नो कमा इट विल कम ऑफ। ठीक है, कमा वॉश इट ऑफ। वॉश इट ऑफ, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ऑफ के लिए तो हमें टिक दिया हुआ था, अबव द लाइन इस तरह का टिक लगाना है, और यहाँ पे ऑफ जो है ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है, एफ का स्ट्रोक और साथ में फर्स्ट प्लेस के लिए ये साइन यूज़ किया हुआ है, ये इसलिए कि ये ओ एफ ऑफ है और ये ओ डबल एफ ऑफ है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है तो ये आपने जहन में रखना है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि ये वर्ड भी ऑफ बन रहा है तो इस ऑफ में और इस ऑफ में फिर क्या फ़र्क होगा, तो आपके जहन में आ जाएगा ये ऑफ तो कोई चेंज है, तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये ओ डबल एफ वाला ऑफ ही है। ठीक है, और सेंटेंस में से भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसमें अब क्या यूज़ होगा। नंबर 9 पे है एस पॉल टू अटैच आर टैग टू द टॉप ऑफ द बैग। अब ये जो वर्ड है ना इसमें, ये जो वर्ड है इसमें स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड क्या है। अब देखिए हमारे पास वर्ड है ask। हम लोग कॉमन इसको क्या पढ़ते हैं, ask, लेकिन ये वर्ड क्या है, ask। एक्चुअली इसको ask पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ask के लिए इसमें ए की साउंड आ रही है तो इससे पता चल रहा है कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो इसको हमने अबव द लाइन लिखा है। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये आस्क नहीं है, ये एस्क है। एस्क पॉल टू अटैच अ टैग टू द टॉप ऑफ द बैग फुल स्टॉप। नंबर 10 पे है वी शैल चेक द डैमेज टू द बोट फुल स्टॉप। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैंने आपको समझा दी है, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे चेक करवाना है फिर। ये एक्सरसाइज नंबर 8 जो है ये आप लोगों ने अब खुद समझनी है पहले कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर आपने शॉर्ट हैंड में लिख के मुझे चेक करवानी है। ठीक है।
खुद से, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें आप लोगों का ही नुकसान होगा। पहले आप लोगों ने इसको पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है, पढ़ के समझ के फिर आप लोगों ने इसकी इंग्लिश, मतलब एक सेंटेंस नंबर 1 पे कौन सा सेंटेंस था तो वो आपने अपनी अपनी बुक्स नोटबुक्स में लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर सेंटेंस नंबर 2 लिखना है, मतलब इसकी इंग्लिश में, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपने सेंटेंस नंबर 3 लिखना है। फिर जो लाइन छोड़ी होगी ये सारे जब 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो जो आपने लाइंस छोड़ी होगी वहाँ पे आप लोग नोटबुक्स बंद करके खुद से ज़बानी शॉर्ट हैंड में उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 7 का और एक्सरसाइज नंबर 8 का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर 8 का भी। नंबर 8 और नंबर 7, फिर कल हम लोग ये सेकंड पोजीशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। ये छोटा सा टॉपिक है सेकंड पोजीशन, बट थोड़ा ये समझने वाला है, ठीक है। तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।